अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी का नाम है अपने दुख मुझे दे दो। ये राजेंद्र सिंह बेदी की लिखी हुई है। कहानी का आगाज मैं एक शेर के साथ करूंगी। इस सादगी पे कौन मर न जाए खुदा, इस सादगी पे कौन मर न जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की रात बिल्कुल वो ना हुआ जो मदन ने सोचा था, जब चकली भाभी ने फुसलाकर मदन को बीच वाले कमरे में ढकेल दिया, तो इंदु सामने शालों में लिपटी अंधेरों का भाग बनी जा रही थी। बाहर चकली भाभी और दरियाबाद वाली फूफी और दूसरी औरतों की हंसी रात के खामोश पानियों में मिश्री की तरह धीरे धीरे घुल रही थी। औरतें सब यही समझती थी कि इतना बड़ा हो जाने पर भी मदन कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब उसे बीच रात से जगाया गया तो वो बड़बड़ा रहा था, कहाँ कहाँ लिए जा रही हो मुझे। इन औरतों के अपने अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात के बारे में इनके शरीर शोहरों ने जो कुछ कहा और माना था, इसकी गूंज तक इनके कानों में बाकी ना रही थी। वो खुद रस बस चुकी थी और अब अपनी एक और बहन को बसाने पर तुली हुई थी। जमीन के ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थी जैसे बादल का टुकड़ा है जिसकी तरफ बारिश के लिए मुंह उठाकर देखना ही पड़ता, ना बरसे तो मिन्नतें मारनी पड़ती हैं, चढ़ावे चढ़ाने पड़ते हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। हालांकि मदन का कालका जी के इस नई आबादी में घर के सामने खुली जगह में पड़ा उसी वक्त का मुंतजर था। फिर शामत आमाल पड़ोसी सद्दे की भैंस उसकी खाट ही के पास बंधी थी, जो बार बार फनकारते हुए मदन को सूंघ लेती और वो हाथ उठाकर उसे दूर रखने की कोशिश करता। ऐसे में भला नींद का सवाल ही कहां था। समुद्र के लहरों और औरत के खून को रास्ता बताने वाला चांद एक खिड़की के रास्ते से अंदर चला आया था और देख रहा था। दरवाजे के इस तरफ खड़ा मदन अगला कदम कहां रखता है। मदन के अपने अंदर एक घन गरज सी हो रही थी और उसे अपना आप यूं मालूम हो रहा था जैसे बिजली का खंभा है, जैसे कान लगाने से उसे अंदर की सनसनाहट सुनाई दी जाएगी। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद उसने आगे बढ़कर पलंग को खींचकर चांदनी में कर दिया ताकि दुल्हन का चेहरा तो देख सके, फिर वो ठिटक गया। जब ही उसने सोचा इंदु मेरी बीवी है, कोई पराई औरत तो नहीं जिसे ना छूने का सबक बचपन ही से पढ़ता आया। शालों में लिपटी हुई दुल्हन को देखते हुए उसने फर्ज कर लिया वहां इंदु का मुंह होगा, और जब हाथ बढ़ाकर उसने पास पड़ी गठरी को छुआ तो वहीं इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा वो आसानी से मुझे अपना आप ना देखने देगी, लेकिन इंदु ने ऐसा ना किया, जैसे पिछले कई सालों से वो भी इसी लम्हे की मुंतजिर हो और किसी ख्याली भैंस के सूंघते रहने से उसे भी नींद ना आ रही हो। गायब नींद और बंद आंखों का कर्व अंधेरे के बावजूद सामने फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी देर तक पहुंचते हुए आम तौर पर चेहरा लंबोतरा हो जाता, लेकिन यहाँ तो सभी गोल, शायद इसलिए चांदनी की तरफ गाल और होंठों के बीच एक सायेदार घोसी बनी हुई थी। जैसे दो सर्ज और शादाब कीलों के बीच होती है। माथा कुछ तंग था, लेकिन इस पर से एकाएक उठने वाली घुंघरेले बाल, जब इंदु ने अपना चेहरा छुड़ा लिया जैसे वो देखने की इजाजत तो देती हो लेकिन इतनी देर के लिए नहीं, आखिर शर्म भी तो कोई हद होती है। बदन ने जरा सख्त हाथों से यूं ही सीहूं हां करते हुए दुल्हन का चेहरा फिर से ऊपर को उठा दिया और शराबी सी आवाज में कहा, इंदु कुछ डर सी गई। जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसका नाम
इस अंदाज से पुकारा था, और वो अजनबी किसी खुदाई हक से रात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उस अकेली बेयार और मददगार औरत का अपना होता जा रहा था। इंदु ने पहली बार एक नजर ऊपर देखते हुए फिर आंखें बंद कर ली और सिर्फ इतना सा कहा, जी। उसे खुद अपनी आवाज किसी पाताल से आती हुई सुनाई दी। देर तक कुछ ऐसा ही होता रहा और फिर होले होले बात चल निकली। अब जो चली सो चली, वो थमने ही में ना आती थी। इंदु के पिता, इंदु की माँ, इंदु के भाई, मदन के भाई बहन, बाप, इनके रेलवे मेल सर्विस की नौकरी, इनके मिजाज, कपड़ों की पसंद, खाने की आदत, सभी का जायजा लिया जाने लगा। बीच बीच में मदन बातचीत को तोड़कर कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन इंदु तुर्रह दिए जाती थी। इंतहाई मजबूरी और लाचारी में मदन ने अपनी माँ का जिक्र छेड़ दिया, जो इसे 7 साल की उम्र में छोड़कर दिख के आरजे से चलती बनी थी। जितनी देर जिंदा रही बेचारी, मदन ने कहा, बाबूजी के हाथ में दवाई की शीशियां रही और हम अस्पतालों की सीढ़ियों पर और छोटा पाशी घर में चीटियों के बल पर सोते रहे। और आखिर एक दिन 28 मार्च की शाम, और मदन चुप हो गया। चंद ही लम्हों में वो रोने से जरा इधर और घीघी से जरा उधर पहुंच गया। इंदु ने घबरा कर मदन का सर अपनी छाती से लगा लिया। इस रोने ने पल भर में इंदु को अपने पन से इधर और उधर, बेगाने पन से उधर पहुंचा दिया था। मदन इंदु के बारे में कुछ और भी जानना चाहता था, लेकिन इंदु ने इसके हाथ पकड़ ली और कहा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं जी, पर मैंने माँ बाप देखे हैं, भाई और भाभियां देखी हैं, बीसियों और लोग देखे हैं, इसलिए मैं कुछ समझती बूझती हूँ। मैं अब तुम्हारी हूँ, अपने बदले मैं तुमसे एक ही चीज मांगती हूँ। रोते वक्त और इसके बाद भी एक नशा सा था। मदन ने कुछ बेसब्री और कुछ दरियादिली के मिले जुले शब्दों में कहा, क्या मांगती हूँ? तुम जो भी कहोगी मैं दूंगा। पक्की बात? इंदु बोली। मदन ने कुछ उतावले होकर कहा, हाँ हाँ, कहा जो पक्की बात। लेकिन इस बीच में मदन के मन में एक वसूसा आया, मेरा कारोबार पहले ही मंदा है, अगर इंदु कोई ऐसी चीज मांग ले जो मेरी पहुंच ही से बाहर हो तो फिर क्या हो। लेकिन इंदु ने मदन के सख्त और फैले हुए हाथों को अपने मुलायम हाथों से समेटते हुए और इन पर अपनी गाल रखते हुए कहा, तुम अपने दुख मुझे दे दो। मदन सख्त हैरान हुआ, साथ ही उसे अपने आप पर एक बोझ भी उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने फिर चांदनी में एक बार फिर इंदु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ ना जान पाया। उसने सोचा, ये माँ या किसी सहेली का रटा हुआ पखरा होगा जो इंदु ने कह दिया। जब ये जलता हुआ आंसू मदन के हाथ के पृष्ठ पर गिरा, उसने इंदु को अपने साथ रिपतारते हुए कहा, दिए। लेकिन इन सब बातों ने मदन से इसकी बहमियत छीन ली। मेहमान एक एक करके सब रुखसत हो गए। चकली भाभी 2 बच्चों को उंगलियों से लगाए सीढ़ियों की ऊंच नीच से तीसरा पेट संभालती हुई चल दी। दरियाबाद वाली फूफी, जो अपने नौलखे हार के गुम हो जाने पर शोर मचाती बावेला करती हुई बेहोश हो गई थी और गुसल खाने में पड़ा हुआ मिल गया था, जहेज में से अपने हिस्से के 3 कपड़े लेकर चली गई। फिर चाचा गए, जिनको इनके जेपी हो जाने की खबर कार के जरिए से मिली थी, और जो शायद बदहवासी में मदन के बजाय दुल्हन का मुंह चूमने चले थे। घर में बूढ़ा बाप रह गया था और छोटे बहन भाई, छोटी दुलारी तो हर वक्त भाभी ही के बगल में घुसी रहती थी। गली मोहल्ले की कोई औरत दुल्हन को देखे या ना देखे, देखे तो कितनी देर देखे, ये सब इसके अख्तियार में था। आखिर ये सब खत्म हुआ और इंदु आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होने लगी। लेकिन कालका जी की इस नई आबादी के लोग अब भी आते जाते, मदन तो इसके सामने रुक जाते और किसी भी बहाने से अंदर चले आते। इंदु उन्हें देखते ही एकदम घूंघट खींच लेती, लेकिन इस छोटे से वक्फे में जो कुछ दिखाई दे जाता वो बिना घूंघट के दिखाई ही दे ना सकता था। मदन का कारोबार गुंदे भरोसे का था।
गुंदा भरोसा एक किस्म का गूंद होता है, जो एक बदबूदार मादा जो चीड़ के दरख्त से निकलता है। मदन का कारोबार गुंदे भरोसे का था। कहीं बड़ी सप्लाई वाले दो तीन जंगलों में चीड़ और देवदार के पेड़ों को जंगल की आग ने आ लिया था और वो धड़ धड़ जलते हुए खाक सिया होकर रह गए। मैसूर और आसाम की तरफ से मंगवाया हुआ बेरोजा महंगा पड़ता और लोग उसे महंगे दामों पर खरीदने को तैयार ना थे। एक तो आमदनी कम हो गई थी, इस पर मदन जल्द ही दुकान और इसके साथ वाला दफ्तर बंद करके घर चला। घर पहुंचकर इसकी सारी कोशिश यही होती कि सब खाएं पिएं और अपने अपने बिस्तरों पे दुबक जाएं। जब भी वो खाते वक्त खुद थालियां उठा उठाकर बाप और बहन के सामने रखता और उनके खा चुकने के बाद झूठे बर्तनों को समेट कर नल के नीचे रख और इनके खा चुकने के बाद छोटे बर्तनों को समेट कर नल के नीचे रख दे। सब समझते बहू, भाभी ने मदन के कान में कुछ फूंका है और अब वो घर के काम काज में दिलचस्पी लेने लगा। मदन सबसे बड़ा था, कुंदन उससे छोटा और पाशी सबसे छोटा। जब कुंदन भाभी के स्वागत में सबके एक साथ बैठकर खाने पर इसरार करता तो बाप धनी राम वही डांटते, खाओ तुम, वो कहता, वो भी खा लेंगे। और फिर रसोई में इधर उधर देखने लगा और जब बहू खाने पीने से फारिग हो जाती और बर्तनों की तरफ मुतवज्जा होती तो बाबू धनी राम उसे रोकते हुए कहते, रहने दे बहू, बर्तन सुबह हो जाएंगे। इंदु कहती, नहीं बाबू जी, मैं अभी किए देती हूँ झपाक से। तब बाबू धनी राम एक लरजती हुई आवाज में कहते, मदन की माँ होती बहू तो ये सब तुम्हें ना करने दे। और इंदु एकदम अपने हाथ रोक ले। छोटा पाशी भाभी से शर्माता था, उस ख्याल से दुल्हन के गोद छट से हरी हो चमकी भाभी और दरियाबाद वाली फूफी ने एक रसम में पाशी ही को इंदु के गोद में डाला था। जब से इंदु उसे ना सिर्फ देवर बल्कि अपना बच्चा समझने लगी, जब वो प्यार से पाशी को अपनी बाजुओं में लेने की कोशिश करती तो वो घबरा उठता और अपना आप छुड़ा कर दो हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता, देखता और हंसता रहता, पास आता तो दूर हटता। एक अजीब इत्तफाक से ऐसे में बाबूजी हमेशा वहीं मौजूद होते और पाशी को डांटते हुए कहते, अरे जाना, भाभी प्यार करती है, अभी से मर्द हो गया है। और दुरारी तो भाभी का पीछा ही ना छोड़ती, इसके मैं तो भाभी के साथ ही सोऊंगी के इसरार ने बाबूजी के अंदर कोई जनार्दन जगा दिया था। एक रात उसी बात पर दुलारी को जोर से चपत पड़ी और वो घर की आधी कच्ची और आधी पक्की नाली में जा गिरी। इंदु ने लपकते हुए पकड़ा तो सर पर से दुपट्टा उड़ गया, बालों के फूल और चिड़िया, बांग का सिंदूर, कानों के किरण, फूल सब नंगे हो गए। बाबूजी, इंदु ने सांस खींचते हुए कहा। एक साथ दुलारी को पकड़ने और सर पर दुपट्टा ओढ़ने में इंदु के पसीने छूट गए। इस बेमां की बच्ची को छाती से लगाए हुए इंदु ने इसे एक ऐसे बिस्तर में सुला दिया जहाँ सिरहाने ही सरहाने, तकिए ही तकिए थे। ना कहीं पायती थी, ना काठ के बाजू, चोट तो एक तरफ, कहीं कोई चुभने वाली चीज भी ना थी। फिर इंदु की उंगलियां दुलारी के फोड़े ऐसे सर पर चलती हुई उसे दिखा भी रही थी और मजा भी दे रही थी। दुलारी के गालों पर बड़े बड़े और प्यारे प्यारे गढ़े पड़े। इंदु ने इन गढ़ों का जादू लेते हुए कहा, हाय रे मुन्नी, तेरी सास मरे, कैसे गढ़े पड़ रहे हैं गालों पर। मुन्नी ने मुन्नी की तरह कहा, गढ़े तुम्हारे भी तो पड़ते हैं भाभी। हाँ मुन्नू, इंदु ने कहा और एक ठंडा सांस लिया। मदन को किसी बात पर गुस्सा था, वो पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। बोला, मैं तो कहता हूँ एक तरह से अच्छा ही है। क्यों, अच्छा क्यों है, इंदु ने पूछा। हाँ, ना उगे बांस ना बजे बांसरी, सास ना हो तो कोई झगड़ा ही नहीं रहता, इंदु ने एकाएकी खफा होते हुए कहा। तुम जाओ जी, सो रहो जाकर, बड़े आए हो। आदमी जीता है तो लड़ता है ना, बरघट की चुपचाप से झगड़े भले, जाओ ना, रसोई में तुम्हारा क्या काम। मदन खिसियाना होकर रह गया। बाबू धनी राम की डांट से बाकी बच्चे तो पहले ही अपने अपने बिस्तरों में यूं जाकर पड़ रहे थे जैसे दफ्तरों में छुट्टियां शॉर्ट होती है, लेकिन मदन वहीं खड़ा रहा। एहतियाज ने उसे ढीठ और बेशरम बना दिया।
लेकिन उस वक्त जब इंदु ने भी उसे डांट दिया तो वो रूहान सा होकर अंदर चला। देर तक मदन बिस्तर में पड़ा खसमसाता रहा, लेकिन बाबूजी के ख्याल से इंदु को आवाज देने की हिम्मत ना पड़ी थी। इसकी बेसब्री की हद हो गई थी जब मुन्नी को सुलाने के लिए इंदु की लोरी की आवाज सुनाई दी। तू आ निंदिया रानी बराई मस्तानी, वही लोरी जो दुलारी मुन्नी को सुला रही थी, मदन की नींद भगा रही थी। अपने आप से बेजार होकर उसने जोर से चादर सर पर खींच ली। सफेद चादर के सर पर लपेटने और सांस के बंद करने से खामखा एक मुर्दे का तसव्वुर पैदा हो गया। मदन को यूं लगा जैसे वो मर चुका है और उसकी दुल्हन इंदु इसके पास बैठी जोर जोर से सर पीट रही है, दीवार के साथ कलाइयां मार मार कर चूड़ी तोड़ रही है और फिर गिरती पड़ती रोती चिल्लाती रसोई में जाती और चूल्हे की राख पर सर पर डाल लेती और फिर बाहर लपक जाती और बाहें उठा उठा कर गली मोहल्ले के लोगों से फरियाद करती, लोगों में लुट गई, अब इसे दुपट्टे की परवाह नहीं, कमीज की परवाह नहीं, मांग का सिंदूर, बालों के फूल और चिड़िया, जज्बात और ख्यालात के तोते तक उड़ चुके थे। बदन की आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे, हालांकि रसोई में इंदु हंस रही थी। पल भर में अपने सुहाग के उजड़ने और फिर बस जाने से बेखबर मदन जब हकायक की दुनिया में आया तो आंसू पोंछते हुए अपने इस रोने पर हंसने लगा। उधर इंदु तो हंस रही थी लेकिन इसकी हंसी दबी दबी थी। बाबूजी के ख्याल से वो कभी ऊंची आवाज में ना हंसती थी, जैसे खिलखिलाहट कोई नंगापन है। खामोशी, दुपट्टा और दबी दबी हंसी, एक घूंघट, फिर मदन ने इंदु का एक ख्याली बुत बनाया और इसे बीसियों बातें कर डाली। यूं इससे प्यार किया जैसे अभी तक ना किया था। वो फिर अपनी दुनिया में लौटा जिसमें साथ का बिस्तर खाली था। इसने होले से आवाज दी इंदु और फिर चुप हो गया। इस अधेड़ बुन में वो बराई मस्तानी निंदिया भी उससे लिपट गई। एक औंग सी आई लेकिन साथ ही यूं लगा जैसे शादी की रात वाली पड़ोसी सबते की भैंस मुंह के पास भनकारने लगी। वो एक बेकली के आलम में उठा, फिर रसोई की तरफ देखते सर को खुजाते दो तीन जमाइयां लेकर लेट गए, सो गया। मदन जैसे कानों को कोई संदेशा देकर सोया था जब इंदु की चूड़ियां बिस्तर के सलवटें सीधी करने के लिए खनक उठी तो वो भी हड़बड़ाकर उठ बैठा। यूं एकदम जागने में मोहब्बत का जज्बा और भी तेज हो गया। प्यार की करवटों को तोड़े बगैर आदमी सो जाए और एकाकी उठे तो मोहब्बत दम तोड़ देती। मदन का सारा बदन अंदर की आग से फनक रहा और यही उसके गुस्से का कारण बन गया था। जब उसने बुखलाए हुए अंदाज में कहा, सो तुम आ गई? हाँ। मुन्नी सुमर गई? इंदु झुकी झुकी एकदम से सीधी खड़ी हो गई। हाय राम, इसने नाक पर उंगली रखते हुए हाथ मलते हुए कहा, क्या कह रहे हो? मरे कोई बेचारी, मरे क्यों बेचारी, माँ बाप की एक नई बेटी है। एक ही बेटी है? हाँ, मदन ने कहा, भाभी की एक ही ननद। और फिर एकदम रहकमाना लहजा अख्तियार करते हुए बोला, ज्यादा मुंह मत लगाओ इस टुड़ैल को। क्यों, इसमें क्या पाप है? यही पाप है, मदन ने और चिढ़ते हुए कहा, वो पीछा ही नहीं छोड़ती तुम्हारा, जब देखो जोंक की तरह चिमटी हुई, दफान ही नहीं होती। हाँ, इंदु ने मदन की चारपाई पर बैठते हुए कहा, बहनों और बेटियों को यूं धुतकारा नहीं चाहिए, बेचारी दो दिन की मेहमान है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक दिन चल ही देगी। इसके बाद इंदु कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो चुप हो गई। इसके आंखों के सामने अपने माँ बाप, भाई बहन, चचा सभी घूम गए। कभी वो भी इनकी दुलारी थी, वे पलक झपकते ही नियारी हो गई और फिर दिन रात इसके निकाले जाने की बातें होने लगी, जैसे घर में कोई बड़ी सी बाबनी है जिसमें कोई नागिनी रहती है और जब तक वो पकड़ कर फिकवाई नहीं जाती घर के लोग आराम की नींद नहीं सो सकते। वो दूर दूर से केलने वाले, नथन करने वाले, दांत फोड़ने वाले मांदरी बुलवाए गए और बड़े बड़े धंतोरी और मोती सागर और आखिर एक दिन उत्तर पश्चिम की तरफ से लाल आंधी आई जो साफ हुई तो एक लारी खड़ी थी जिसमें गोटे किनारी में लपटी हुई एक दुल्हन बैठी थी।
पीछे घर में एक सर पर बजती हुई शहनाई बैंड की आवाज मालूम हो रही थी। फिर एक धचके के साथ लॉरी चल दी। मदन ने कुछ बुरा रुख्तगी के आलम में कहा, तुम औरतें बड़ी चालाक होती हो, अभी कल ही इस घर में आई हो और यहाँ के सब लोग तुम्हें हमसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। हाँ, इंदु ने अस्वात में कहा, यह सब झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारा मतलब है मैं दिखावा है ये सब? हाँ, अच्छा जी, इंदु ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा, ये सब दिखावा है मेरा। और इंदु उठकर अपने बिस्तर पर चली गई और सरहाने में मुंह छिपाकर सिसकियां भरने लगी। मदन उसे मनाने ही वाला था कि इंदु खुद ही उठकर मदन के पास आ गई और सख्ती से इसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम जो हर वक्त जली कटी कहते रहते हो, हुआ क्या है तुम्हें? शोहराना रुआब दाब के लिए मदन के हाथ बहाना आ गया। जाओ जाओ, सो जाओ जाके, मदन ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना। तुम्हें कुछ नहीं लेना मुझे, मुझे तो लेना है, इंदु बोली, जिंदगी भर लेना है। और वो झीना झपटी करने लगी। मदन उसे धुतकारता था और वो इससे लिपट लिपट जाता। वो इस मछली की तरह थी जो बहाव में बह जाने के बजाय आबशार के तेज धारे को काटती हुई ऊपर ही ऊपर पहुंचना चाहती हूँ। चुटकियां लेती, हाथ पकड़ती, रोती हंसती वो कह रही, फिर मुझे फाफा कटनी कहोगे? वो तो सभी औरतें होती हैं। खैर, तुम्हारी तो यूं मालूम हुआ जैसे इंदु कोई गाली देने वाली। उसने मुंह में कुछ मुनमुनाया भी। मदन ने मुड़ते हुए कहा, क्या कहा? और इंदु ने अब की सुनाई देने वाली आवाज में दोहराया। मदन खलखलाकर हंस पड़ा। अगले ही लम्हे इंदु मदन के बाजुओं में थी और कह रही थी, तुम मर्द लोग क्या जानो, जिससे प्यार होता है उसके सभी अजीज प्यारे होते हैं, मालूम होते हैं, क्या बाप, क्या भाई, क्या बहन। रेखा की कहीं दूर से देखते हुए बोली, मैं तो दिलारी बिन्नी का ब्याह करूंगी। हद हो गई, मदन ने कहा, अभी एक हाथ की हुई नहीं और ब्याह की सोचने लगी? तुम्हें एक हाथ की देखती है ना, इंदु बोली और फिर अपने दोनों हाथ मदन की आंखों पर रखती हुई कहने लगी, जरा आंखें बंद करो और फिर खोलो। मदन ने सचमुच ही आंखें बंद कर ली और जब कुछ देर तक ना खोली तो इंदु बोली, आप खोलो भी, इतनी देर में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। जब भी मदन ने आंखें खोल दी, लम्हा भर के लिए उसे यूं लगा जैसे सामने इंदु नहीं बैठी हो, मुन्नी बैठी है। और वो खोसा गया, मैंने तो अभी से चार सूट और कुछ बर्तन अलग कर डाले हैं इसके लिए। और जब मदन ने कोई जवाब ना दिया तो उसे झिंझोड़ते हुए बोली, तुम क्यों परेशान होते हो, याद नहीं अपना वचन? तुम अपने दुख मुझे दे चुके हो। मदन चौंकते हुए कहा और जैसे बेफिक्र हो गया। लेकिन अब के जब इसने इंदु को अपने साथ लिपटाया तो वहां एक जिस्म ही नहीं रह गया था, साथ एक रूह भी शामिल हो गई थी। मदन के लिए इंदु रूह ही रूह थी, इंदु का जिस्म भी था, लेकिन वो हमेशा किसी ना किसी वजह से मदन की नजरों से उझल ही रहा। एक पर्दा था ख्वाब के तारों से बुना हुआ, आहों के धुएं से रंगीन, कहकहों की जरतारी से चकाचौंध, जो हर वक्त इंदु को ढांपे रहता था। मदन की निगाहों और इसकी हाथों के दो शासन सदियों से इस द्रौपदी का चीरहरण करते आए थे, जो कि उर्फ आम में बीवी कहलाती है, लेकिन हमेशा उसे आसमानों से थानों के थान, गजों के गज, कपड़ा नंगापन ढांपने के लिए मिलता आया था। दुशासन थक हार के यहाँ वहां गिरे पड़े थे, लेकिन द्रौपदी वहीं खड़ी थी, इज्जत और पाकिजगी की एक सफेद और बेदाग साड़ी में मलबूस वो देवी लग रही। और मदन के लूटते हुए हाथ, खजालत के पसीने और तर हुए जिसे सुखाने के लिए वो इन्हें ऊपर हवा में उठा देता और फिर हाथ के पंजों को पूरे तौर पर फैलाता हुआ एक तशखीजी कैफियत में अपनी आंखों की फैलती फटती हुई पतलियों के सामने रख देता और फिर उंगलियों के बीच में से झांक। इंदु का मरमरी जिस्म खुश रंग और गदाज सामने पड़ा हुआ होता, इस्तेमाल के लिए पास, गदाल के लिए दूर। कभी जब इंदु की नाकाबंदी हो जाती इस किस्म के फकरे, हाय जी, घर में छोटे बड़े सभी हैं, वो क्या कहेंगे? मदन कहते, छोटे समझते नहीं, बड़े अनजान बन जाते हैं।
इसी दौरान में बाबूजी धनीराम की तब्दीली सहारनपुर। वहां वो रेलवे मेल सर्विस में सिलेक्शन ग्रेड के हेड क्लर्क हो गए। इतना बड़ा क्वार्टर मिला, इसमें 8 कुंबे रह सकते, लेकिन बाबू धनीराम इसमें अकेले ही टांगे फैलाए खड़े रहे। जिंदगी भर वो बाल बच्चों से कभी अलहदा नहीं हुए। सख्त घरेलू किस्म के आदमी आखिर जिंदगी में इस तन्हाई ने इनके दिल में वहशत पैदा कर दी थी, लेकिन मजबूरी थी। बच्चे सभी दिल्ली में मदन और इंदु के पास थे और वहीं स्कूलों में पढ़ते थे। साल के खात्मे से पहले उन्हें बीच में उठाना इनकी पढ़ाई के लिए अच्छा ना था। बाबूजी के दिल के दौरे पड़ने लगे। बारे गर्मी की छुट्टियां होंगी, इनके बार बार लिखने पर मदन ने इंदु को कुंदन, हाशमी और दुलारी के साथ सहारनपुर भेज दिया। धनीराम की दुनिया चमक उठी। कहां उन्हें दफ्तर के कामकाज के बाद फुर्सत ही फुर्सत थी और कहां अब काम ही काम था। बच्चे बच्चे हुई की तरह जहां कपड़े उतारते वहीं पड़े रहने देते और बाबूजी उन्हें समेटते फिरते। अपने बदन से दूर अलसाई हुई रहती। इंदु तो अपने पहनावे तक से गाफिल हो गई थी। वो रसोई में यूं फिरती जैसे कांजी हाउस में गाय, बाहर की तरफ मुंह उठा उठा कर अपने मालिक को ढूंढा करती है। काम वाम करने के बाद वो कभी अंदर ट्रंकों पर लेट जाती, कभी बाहर अंबर के बूटे के पास और कभी आम के पेड़ तले, जो आंगन में खड़ा सैकड़ों हजारों दिलों को थामे हुआ था। सावन भादों में ढलने लगा। आंगन में से बाहर का दरीचा खुलता तो कुवारियां नई ब्याही हुई लड़कियां पेंग बढ़ाते हुए गाती, झूला करने डारो रे अमरिया, फिर गीत के बोल के मुताबिक दो झूलती दो झुलाती और कहीं चार मिल जाती तो भूल भलैया हो जाती। अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरतें एक तरफ खड़ी तका करती, इंदु को मालूम होता जैसे वो भी इनमें शामिल हो गई है। जब भी वो मुंह फेर लेती और ठंडी सांसें भरती हुई सो जाती, बाबूजी पास से गुजरते तो उसे जगाने उठाने की जरा भी कोशिश ना करते, बल्कि मौका ना पाकर उसके शलवार जो बहु धोती से बदल आती और जिसे वो हमेशा अपने सास वाले पुराने संदल के संदूक पर फेंक देती, उठाकर खूंटी पर लटका देती। ऐसे में उन्हें सबसे नजरें बचाना पड़ती, लेकिन अभी शलवार को समेट कर मुड़ते ही तो नीचे कोने में निगाह बहू के महरम पर पड़ जाती। तब उनकी हिम्मत जवाब दे जाती और वो शताब्दी कमरे निकलकर भाग, जैसे सांप का बच्चा बीच बाहर आ गया। फिर बरामदे में उनकी आवाज सुनाई देने लगी, ओम नमो भगवते स्वदेवाय। अड़ोस पड़ोस की औरतों ने बाबूजी की बहू की खूबसूरती की दास्तानें दूर दूर तक पहुंचा दी थी। जब कोई औरत बाबूजी के सामने बहू के प्यारेपन और सुडौल जिस्म की बातें करती तो वो खुशी से फूल जाते और कहते, हम तो धन्य हो गए। उम्मी चंद की माँ शुक्र है हमारे घर में भी कोई सेहत वाला जीव आया है। ये कहते हुए उनकी निगाहें कहीं दूर पहुँच जाती, जहाँ दिख के आर्जे थे, दवाई की शीशियाँ, अस्पताल की सीढ़ियां, चीटियों के बिल। निगाह करीब होती तो मोटे मोटे गुदराए हुए जिस्म वाले कई बच्चे बगल में जांग पर गर्दन पर चढ़ते उतरते हुए महसूस होते और ऐसा मालूम होता जैसे अभी और आ रहे हैं। पहलू पर लेटी हुई बहू के कमरे जमीन के साथ और कुल्हे छत के पहलू पर लेटी हुई बहू के कमर जमीन के साथ और कुल्हे छत के साथ लग रहे हैं और वो धड़ाधड़ बच्चे जनती जा रही, और इन बच्चों की उम्र में कोई फर्क नहीं, कोई बड़ा है ना छोटा, सभी एक से जुड़वा। तो ओम ओम नमो भगत। आसपास के सब लोग जान गए थे हिंदू बाबूजी की चहती बहू है। चुनांचा दूध और छाछ के मटके धनी राम के घर आने लगे और फिर एक दिन सलाम दीन को गुजर ने फरमाइश कर दी। हिंदू ने कहा, बीबी मेरा बेटा RMS में खुली रखवा दो, अल्लाह तुमको अच्छा देगा। इंदु के इशारे की देर थी कि सलामदीन का बेटा नौकर हो गया। वो भी सार्टर जो ना हो सका, उसकी किस्मत आसामियां ही ज्यादा ना थी। बहू के खाने पीने और उसके सेहत का बाबूजी ख्याल रखते थे। दूध पीने से इंदु को चिढ़ थी। वो रात के वक्त खुद दूध को बालाई में फेंट गिलास में डाल बहू को पिलाने के लिए उसकी खटिया के पास आ जाती। इंदु अपने आप को समेटते हुए उठती और कहती,
नहीं बाबूजी, मुझसे नहीं पिया जाता। तेरा तो ससुर भी पिएगा, वो मजाक से कहते। तो फिर आप ही पी लीजिए ना, हिंदू हंसते हुए जवाब देते। और बाबूजी एक मसनूई गुस्से से बरस पड़, तू चाहती है बाद में तेरी भी वही हालत हो जो तेरी सास की हुई। हिंदू लाड से रूठने लगी। आखिर क्यों ना रूठते, वो लोग नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई ना हो। लेकिन यहाँ तो मनाने वाले भी सब, रूठने वाला सिर्फ एक। जब इंदु बाबूजी के हाथ से गिलास ना लेती तो वो उसे खटिया के पास सिरहाने के नीचे रख देती और ले ये पड़ा है, तेरी मर्जी है, पी, नहीं मर्जी तो ना पी, कहते हुए चल दे। अपने बिस्तर पर पहुंचकर धनी राम दुलारी मुन्नी के पास खेलने लगे। दुलारी को बाबूजी के नंगे पेट पिंड के साथ पिंड घुसाने और फिर पेट पर मुंह रखकर हिटकरा फुलाने की आदत। आज जब बाबूजी और मुन्नी ये खेल खेल रहे थे, हंस हंसा रहे थे, तो मुन्नी ने भाभी की तरफ देखते हुए कहा, दूध तो खराब हो जाएगा बाबूजी, भाभी तो पीती ही नहीं। पिएगी, जरूर पिएगी बेटा, बाबूजी ने दूसरे हाथ से पाशी को निपटाते हुए कहा। औरतें घर की किसी चीज को खराब होते नहीं देख सकती। अभी ये फकरा बाबूजी के मुंह ही में होता कि एक तरफ से हुश है कसम खाली की आवाज आने लगी। पता चलता बहू बिल्ली को भगा रही है और फिर घट घट से सुनाई देती और सब जान लेते बहू भाभी ने दूध पी लिया। कुछ देर के बाद कुंदन बाबूजी के पास आता और कहता, बाबूजी भाभी रो रही है। हाय बाबूजी कहते और फिर उठकर अंधेरे में दूर इसी तरफ देखने लगे। इधर बहू की चारपाई पड़ी है। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो फिर लेट जाते और कुछ समझते हुए कुंदन से कहते, जा तू सो जा, वो भी सो जाएगी अपने आप। और फिर लेटते हुए बाबू धनी राम आसमान पर खुले हुए परमात्मा के गुलजार को देखने लगते और अपने मन में भगवान से पूछते, चांदी के इन खुलते बंद होते हुए फूलों में मेरा फूल कहाँ है। और फिर पूरा आसमान उन्हें दर्द का एक दरिया दिखाई देने लगता और कानों में मुसलसल एक हौ की आवाज सुनाई देती जिसे सुनते हुए वो कहते, जब से दुनिया बनी है इंसान कितना रोया है, और वो रोते रोते सो जाते हैं। इंदु के जाने से 20-25 रोज ही में मदन बावेला शुरू कर दिया। इसने लिखा, मैं बाजार की रोटियां खाते खाते तंग आ गया हूँ, मुझे कब्ज हो गई है, गुर्दे का दर्द शुरू हो गया है। फिर जैसे दफ्तर के लोग छुट्टी की अर्जी के साथ डॉक्टर का सर्टिफिकेट भेज देते हैं, मदन ने बाबूजी के एक दोस्त से तस्दीक की चिट्ठी लिखवा कर भेजी। इस पर भी जब कुछ ना हुआ तो एक डबल तार जवाबी तार के पैसे मारे गए, लेकिन बला से इंदु और बच्चे लौट आए। मदन ने इंदु से 2 दिन सीधे मुंह बात ही ना की। ये दुख भी इंदु का ही था। एक दिन मदन को अकेले में पाकर वो पकड़ बैठी और बोली, इतना मुंह फुलाए बैठे हो, मैंने क्या किया है। मदन ने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, छोड़, दूर हो जा मेरी आंखों से कमीनी। यही कहने के लिए इतनी दूर से बुलवाया है। हाँ हटाओ, खबरदार ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, जो तुम आना चाहती तो क्या बाबूजी रोक लेते। इंदु ने बेबसी से कहा, हाय जी तुम तो बच्चों की सी बातें करते हो, मैं भला उन्हें कैसे कह सकती थी। सच पूछो तो तुमने मुझे बुलवा कर बाबूजी पर तो बड़ा जुल्म किया है। क्या मतलब। मतलब कुछ नहीं, इनका जी भूत लगा हुआ था बाल बच्चों, और मेरा जी तुम्हारा जी तुम तो कहीं भी लगा सकते हैं। इंदु ने शरारत से कहा और इसी तरह से मदन की तरफ देखा। इसके मदाफत की सारी कुवतें खत्म हो गई। यूं भी इसे अच्छे से बहाने की तलाश थी। इसने इंदु को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और बोला, बाबूजी तुमसे बहुत खुश थे। हाँ इंदु बोली, एक दिन मैं जागी थी तो देखा सरहाने खड़े मुझे देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता, अपनी कसम। अपनी कसम नहीं, मेरी कसम। तुम्हारी कसम तो मैं नहीं खाता, कोई कुछ भी दे। हाँ मदन ने सोचते हुए कहा, किताबों में इसे सेक्स कहते। सेक्स, इंदु ने पूछा, वो क्या होता है। वही जो मर्द और औरत के बीच होता है। हाय राम, इंदु ने एकदम पीछे हटते हुए कहा, गंदे कहीं शर्म नहीं आई बाबूजी के बारे में ऐसा सोचते हुए। तो बाबूजी को ना आई तुझे यूं देखते हुए।
क्यों हिंदू बाबू ने बाबूजी की तरफदारी करते हुए कहा, वो अपनी बहू को देखकर खुश हो रहे होंगे। क्यों नहीं, जब बहू तुम ऐसी हो, तुम्हारा मन गंदा है, हिंदू ने नफरत से कहा, इसीलिए तुम्हारा कारोबार भी गंदे भरोसे का है। तुम्हारी किताबें सब गंदगी से भरी पड़ी है। तुम्हें और तुम्हारी किताबों को इस के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे तो जब मैं बड़ी हो गई थी तो मेरे पिताजी ने भी मुझसे अधक प्यार करना शुरू कर दिया था, तो क्या वो भी वो था निगोड़ा जिसका तुम अभी नाम दे रहे थे। और फिर इंदु बोली, बाबूजी को यहाँ बुला लो, इनका वहां जरा भी जी नहीं लगता, वो दुखी होंगे। तो क्या तुम दुखी नहीं हो गए? मदन अपने बाप से बहुत प्यार करता था। घर में माँ की मौत ने बड़ा होने के कारण सबसे ज्यादा असर मदन ही पर किया था। उसे अच्छी तरह से याद है, माँ के बीमार रहने के बाद जब भी उसकी मौत का ख्याल मदन के दिल में आता तो आंखें मूंद कर प्रार्थना शुरू कर देता, ओम नमो भगवते दासो देवा, ओम नमो। अब वो नहीं चाहता था कि बाप की छत्र छाया भी सर से उठ जाए, खास तौर पर ऐसे में जबकि वो अपने कारोबार को भी जमा नहीं पाया था। इसने गैर यकीनी लहजे में इंदु से सिर्फ इतना कहा, अभी रहने दो बाबूजी को, शादी के बाद हम दोनों पहली बार आजादी के साथ मिल सकते हैं। तीसरे चौथे रोज बाबूजी का आंसुओं में डूबा हुआ खत आया, मेरे प्यारे मदन के मुखातिब में मेरे प्यारे के अल्फाज शोर पानियों में धुल गए थे। लिखा हुआ था, बहू के यहाँ होने पर मेरे तो वही पुराने दिन लौट आए थे, तुम्हारी माँ के दिन जब हमारी नई शादी हुई थी, वो भी ऐसे ही अल्हड़ थी, ऐसे ही उतारे हुए कपड़े इधर उधर फेंक देती थी, और पिताजी समेटे पिता, वही संदल का संदूक, वही बीसियों खलजगन में बाजार जा रहा हूँ आ रहा हूँ, कुछ नहीं तो दही बड़े या रबड़ी ला रहा हूँ। अब घर में कोई नहीं, वो जगह जहाँ संदल का संदूक पड़ा था खाली है, और फिर एक इधर सत्र और धुल गई। आखिर में लिखा था, दफ्तर से लौटते समय यहाँ के बड़े बड़े अंधे कमरों में दाखिल होते हुए मेरे मन में एक होलसा उठता है और फिर भो का ख्याल रहता है, उसे किसी ऐसी वैसी दाया के हवाले मत कर। हिंदू ने दोनों हाथों से चिट्ठी पकड़, सांस खींची, आंखें फैलाती, शर्म से पानी पानी होती ही बोली, मैं मर गई। बाबूजी को कैसे पता चल गया? मदन ने चिट्ठी छुड़ाते हुए कहा, बाबूजी क्या बच्चे हैं, दुनिया देखी है, हमें पैदा किया। हाँ, मगर इंदू बोली, अभी दिन ही किए कितने हुए हैं। आखिर इसने एक तेज सी नजर अपने पेट पर डाली जिसने अभी बढ़ना भी शुरू नहीं किया, और जैसे बाबूजी या कोई और देख रहा, इसने सारी का पल्लू इस पर खींच लिया और कुछ सोचने लगी। जब ही एक चमक सी उसके चेहरे पर आई और वो बोली, तुम्हारी ससुराल से शेरनी आएगी। मेरी ससुराल? ओ हाँ, मदन ने रास्ता पाते हुए कहा, इतनी शर्म की बात, अभी 6-8 महीने शादी के हुए हैं और चला आया है। और इसने इंदु के पेट की तरफ इशारा किया। मदन के टांगे अभी तक कांप रही थी, इस वक्त खौफ से नहीं तसल्ली से, चला आया है या तुम लाए, तुम ये सब कसूर तुम्हारा है, कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं, तुम्हें पसंद नहीं, एकदम नहीं। क्यों, 4 दिन तो मजे ले लेती जिंदगी के, क्या ये जिंदगी का मजा नहीं? इंदु ने सदमा ज़दा लहजे में कहा, मर्द औरत शादी किस लिए करती है, भगवान ने बिन मांगे दे दिया ना, पूछो इनसे जिनके नहीं होता, फिर वो क्या कुछ करती हैं, पीरों फकीरों के पास जाती हैं, समाधियों मजारों पर चोटियां बांधती हैं, शर्म हया तज कर दरियाओं के किनारे नंगी होकर सरकंडे कटाती हैं, शमशानों में मसान जगाती हैं। अच्छा अच्छा मदन बोला, तुमने बखान ही शुरू कर दिया, औलाद के लिए थोड़ी उम्र पड़ी थी। ये आधी कहानी है। कहानी का आधा हिस्सा अपने दुख मुझे दे दो के पार्ट 2 में लेकर आऊंगी। अल्लाह हाफिज़।